आखिर लकड़ी से पेंसिल कैसे बनाई जाती है, और यदि आप एक महीने तक ब्रश नहीं करोगे तो क्या होगा, और वो कौन सा गांव है जो कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 20, हाल ही में एक विमान को विथाउट पायलट के उड़ते हुए देखा गया। इतना ही नहीं, यह विमान नेटो के 6 देशों के ऊपर से गुजर गया। विमान के रोमानिया और हंगरी में घुसते ही इन दोनों कंट्रीज ने अपने फाइटर जेट्स को इस विमान के पीछे लगा दिया गया, और जब इस पर मिसाइल अटैक किया गया तब यह क्रैश हो गया। और जब इसकी जांच की गई तो इसमें कोई भी पायलट नहीं था, यानी कि यह विमान बिना पायलट के ही उड़ रहा था। फैक्ट नंबर 19, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, पर अब यह रिकॉर्ड जल्दी ही टूट सकता है, क्योंकि सऊदी अरब अब इससे भी ऊंची एक और इमारत बनाने जा रहा है, जिसे जेद्दाह टावर का नाम दिया गया है, और इस टावर की हाइट करीब 1 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। मींस अमेजिंग। फैक्ट नंबर 18, ये तो हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को कितना ज्यादा डैमेज करता है, और इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने अब सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है, पर देखने वाली बात यह होगी कि अब इसे लोग कितना ज्यादा फॉलो करते हैं। फैक्ट नंबर 17, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एशिया का सबसे स्वच्छ गाँव हमारे देश भारत में ही है, जो कि मेघालय के खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, और यहाँ के लोग इस बात को बखूबी समझते हैं कि क्लीनिटी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फैक्ट नंबर 16, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सड़क पर चलते वक्त मोबाइल का यूज करते हैं, और इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, पर इसी को रोकने के लिए चाइना और जर्मनी जैसे देशों में रोड पर कुछ इस तरीके की लाइट लगाई जाती है, जिससे कि रोड पर मोबाइल का यूज कर रहा व्यक्ति कई बार डिस्टर्ब होता है। वाओ। फैक्ट नंबर 15, चाइना के इस डांसर से मिलिए। ये डांसर अपने सिर को कुछ इस तरीके से स्टेबल करके अपनी बॉडी को लेफ्ट राइट कर सकता है, और इसका ये डांस स्टेप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, जिसे अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 14, क्या आप लोग जानते हो कि डोरेमोन जो एक कार्टून सीरियल है, इसे 50 से भी ज्यादा देशों में बैन किया जा चुका है, क्योंकि इनमें से अधिकतर कंट्रीज का ये मानना है कि इस सीरियल के मेन कैरेक्टर यानी कि नोबिता को इस सीरियल में काफी ज्यादा आलसी और लूजर दिखाया गया है, जिससे इसे देखने वाले बच्चों पर भी यही इम्पैक्ट पड़ता है, और वे इसी की तरह बनने की कोशिश करते हैं। फैक्ट नंबर 13, साइकोलॉजी के अनुसार 50% लोग ऐसे होते हैं जो कि कॉलेज कंप्लीट करने के बाद और कोई भी बुक नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि उनका बुक्स के प्रति इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और क्या आप भी कॉलेज कंप्लीट करने के बाद और किसी बुक को पढ़ना चाहोगे, कमेंट में लिख के जरूर बताना। फैक्ट नंबर 12, कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन क्लासेस में लोग किस तरीके के कपड़े पहनते थे, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस इमेज में दिख रहा है, मतलब कि लोग इस बात से नहीं डरते थे कि यदि ऐसे में कोई ऑफलाइन आ गया तो फिर क्या होगा। मीन्स बेक ऑफ। फैक्ट नंबर 11, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि वह जल्दी एक कैंसर हॉस्पिटल और क्रिकेट स्टेडियम को बनाएंगे सिद्धू मूसेवाला के नाम पर, और ऐसा इसलिए क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की वजह से ही पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई है। सच में ऑसम। फैक्ट नंबर 10, एक सर्वे में यह पाया गया है कि दुनिया भर में जितने लॉयन हैं उनसे दोगुना तो उनके स्टैचू बन चुके हैं, यानी कि आप यह समझ सकते हो कि लॉयन की प्रजाति कितनी जल्दी खत्म होती जा रही है, और मे भी इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम इंसान ही हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि साल 2021 में टोबैको नाम की एक कंट्री में एक ऐसी स्पाइडर को देखा गया था जिसका साइज करीब एक डॉग के बच्चे के जितना हो चुका था। आखिर इस स्पाइडर का साइज इतना बड़ा कैसे हो गया, यह अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि साल 2017 में हमारे देश के सबसे बड़े रोबोट को इंदौर की सड़कों पर स्थापित किया गया था, और इस रोबोट का साइज करीब 421 फीट था, और इस रोबोट का काम ट्रैफिक को कंट्रोल करना था, और चौंकाने वाली बात यह भी थी कि यह रोबोट हमारे हाथों की तरह ही बिल्कुल ट्रैफिक को सही तरीके से कंट्रोल कर रहा था। इस रोबोट के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 7, अभी आप जिस मशीन को देख रहे हो इसका यूज रशियन आर्मी ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान किया था, और स्पेशली इसका काम यह होता था कि यह जमीन में छिपी हुई लैंडमाइंस को ढूंढ लेती थी और उन्हें चकमा
लेकर सैनिकों को आसानी से आगे ले जाती थी, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान लैंडमाइंस का उपयोग काफी ज्यादा किया जाता था सैनिकों को रोकने के लिए। तो ये मशीन उस वक्त काफी ज्यादा कारगर साबित हुई थी रशियन आर्मी के लिए। फैक्ट नंबर 6, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में कुछ ऐसी कंट्रीज भी मौजूद है जो की काफी बुरे दौर से गुजर रही है, जिनमें से एक है युगांडा, जहाँ पर एक फुटबॉल लीग के दौरान मैन ऑफ द मैच बने प्लेयर को इनाम के तौर पर दही और ब्रेड दिया गया। इससे आप यह समझ सकते हो कि ये कंट्री कितने बुरे दौर से गुजर रही है। फैक्ट नंबर 5, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल यानी कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कई सारे रहस्यों से भरा हुआ है जिनकी कोई गिनती नहीं है। और ऐसे ही इस जंगल में एक रहस्यमय नदी भी मौजूद है जिसका पानी हर वक्त उबलता रहता है, यहाँ तक कि इस नदी का पानी इतना ज्यादा गर्म होता है कि आप इसमें खाना भी बना सकते हैं। और चौंकाने वाली बात यह भी है कि इसका पानी 12 महीने एक साथ बना रहता है। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि धरती की हीट इसी जगह से बाहर निकलती है। फैक्ट नंबर 4, ये तो हम सभी जानते हैं कि एक एयरप्लेन का फ्यूल कितना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, पर क्या होगा यदि मैं आपसे ये कहूँ कि पौधों के द्वारा भी एक एयरप्लेन का फ्यूल बनाया जा सकता है? तो शायद आप सुनकर चौंक जाओगे, पर अबू धाबी के साइंटिस्ट अब एक ऐसे ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। तो दरअसल साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट में पौधों के रसों को निकालकर एयरप्लेन के फ्यूल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इस प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगेगा इसका अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है, पर साइंटिस्ट का ये दावा है कि ऐसा होना संभव है। फैक्ट नंबर 3, इस दुनिया में कई सैनिकी लोगों और उनके द्वारा बनाए गए नियमों की कोई कमी नहीं है, और इनमें से कुछ नियम तो ऐसे होते हैं जिन्हें हमें ना चाहते हुए भी फॉलो करना पड़ता है। और ऐसा ही एक नियम इंडोनेशिया की डेपोक सिटी में कुछ सालों पहले बनाया गया था, जिसमें कि सिटी में रहने वाला कोई भी आदमी ट्यूसडे के दिन राइस नहीं खा सकता है, क्योंकि वहां के मेयर का ये मानना है कि ट्यूसडे के दिन चावल खाने से लोग जल्दी मोटे हो जाते हैं। पर चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर लोग यदि और किसी दिन चावल खाएंगे तब भी मोटे क्यों नहीं होंगे, ये काफी शॉकिंग है। फैक्ट नंबर 2, अगर आप एक महीने तक ब्रश नहीं करोगे तो क्या होगा? तो जो होगा वो ये होगा कि हमारे मुंह में बैक्टीरिया की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और इससे कैविटी भी आने लगेगी, और जैसे जैसे कैविटी बढ़ती जाएगी उससे हमारे दांतों में दर्द भी होने लगेगा, और कुछ समय के बाद ये दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाएगा जिसे आप नहीं सह पाओगे, इसलिए हमें डेली ब्रश जरूर करना चाहिए। फैक्ट नंबर 1, आखिर लकड़ी से पेंसिल कैसे बनती है? तो दरअसल पेंसिल केवल लकड़ी से नहीं बनती, बल्कि इसके लिए पहले ग्रेफाइट से पेंसिल के आकार की तीलियां बनाई जाती हैं और फिर इन्हें अच्छे से गर्म करके पकाया जाता है जिससे यह काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, और फिर इसके बाद यूज किया जाता है लकड़ी का, जिसमें कि लकड़ी को गोलाकार में बदल के इसके अंदर एक छेद किया जाता है जिसमें कि यह ग्रेफाइट से बनी हुई तीलियां डाल दी जाती हैं जिससे एक पेंसिल तैयार हो जाती है। खैर दोस्तों, वीडियो के एंड होने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर दें जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और हाँ, एंड स्क्रीन पर आने वाले वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हो क्योंकि यह वीडियोस भी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं। बाय बाय।